आपने ये फ्रेज या ये वाक्य जरूर सुना होगा हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं आजकल के जो दिन हैं, जो समय है वो बहुत कठिन समय है पूरी दुनिया में आप जानते हैं और विशेष करके हमारी कलीसिया के लिए विश्वासियों के लिए क्योंकि बहुत सतावट हो रहा है और ये अंतिम समय की कुछ निशानी है कि प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द है सो आइए आज हम देखेंगे इस फ्रेज के बारे में इस वाक्य के बारे में कि अंत के दिनों में क्या होगा बाइबल हमेशा ये शब्द इस्तेमाल करती है अंतिम दिनों में अंत के दिनों में इस प्रकार की बातें तो क्या ये अंत के दिन आशीष का कारण बनेंगे या विनाश का कारण बनेंगे मैं सोचता हूँ कि बाइबल इसके संबंध में दोनों प्रकार की बातों के बारे में बात करता है अंतिम दिनों में आशीष का कारण भी होगा और अंतिम दिन विनाश का भी कारण होगा विशेष करके जो अविश्वासी हैं आज इन्होंने प्रभु विष्णु मसीह का तिरस्कार किया है जरा सोचिए यहाँ पर जो स्लाइड जो आपके सामने है एक घड़ी का कांटा है उसके ऊपर लिखा हुआ है टाइम टू रीथिंक टाइम है कि हम सोचें अपने बारे में परिवार के बारे में कलीसिया के बारे में परमेश्वर के बारे में सोचिए क्या होने वाला है इन अंत के दिनों में आइए इसी के ऊपर हम थोड़ा नजर दौड़ाएंगे पहली बात हम देखते हैं कि इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका दो पद इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसका दो पद यहाँ क्या लिखा हुआ है अंतिम दिनों में क्या होगा यहाँ लिखा हुआ है पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची तो इन अंतिम दिनों में अर्थात 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की एक प्रकार से वो यू नो अंतिम समय तो था लेकिन आज जो हम जो जी रहे हैं वो अंतिम अंतिम समय है अंतिम दिन है बिल्कुल लास्ट जिसे कहते हैं जैसे कि बोलते हैं ना कि बारह बजने में पाँच मिनट की वाली बात है बिल्कुल अंतिम क्षणों में हम लोग रह रहे हैं तो प्रभु मसीह ने हमसे बातें की अपने वचन के द्वारा बाइबल के द्वारा आत्मा के द्वारा है ना? और फिर एक जगह और लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा को हम सब पर उंडेला ला लेगा विशेष करके प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं मैं आपके लिए पढूंगा प्रेरितों के कार्य और उसका दो अध्याय सत्रह पद प्रेरितों के काम उसका दो अध्याय और सत्रह पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे तो पवित्र आत्मा ने अपनी आपको हम पर उंडेला है हम पर का मतलब है प्रेरितों के साथ शुरुआत हुआ जो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में किस प्रकार से आत्मा उंडेला गया है और तब से लेकर आज तक पवित्र आत्मा का कार्य विशेष करके विश्वासियों के जीवन में एक अहम रोल अदा कर रहा है और करता रहेगा ये तो कुछ सकारात्मक चीज़ें हम देखते हैं अच्छी चीजें हैं जो आशीष की चीज़ें हैं वो परमेश्वर हमारे लिए करता है और किया है इन अंतिम दिनों में लेकिन कुछ खराब बातें भी हैं विनाश वाली बातें भी हैं कि अंतिम समय में ऐसा होगा ऐसे लोग आएंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोधी परमेश्वर के विरोधी होंगे तो चलिए क्या क्या वो बातें हम अंतिम दिनों में देखेंगे आजकल जो कभी भी हो सकता है ये जी हाँ कभी भी ये हो सकता है क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में रह रहे हैं इसलिए अगर हम विश्वासी नहीं तो जरा सोचिए अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो सोचिए ये आपको और मेरे को सोचने का समय भी देता है चलिए शुरुआत करते हैं अंतिम दिनों में कठिन समय में क्या होगा दूसरा तिमोथी उसका तीन अध्याय दूसरा तिमोथी उसका तीन अध्याय और उसका पहला पद सुनिए क्या लिखा हुआ है पहले पद से तीन चार पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा यह अंतिम समय में होगा आज हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये बातें पूरी हो रही है लेकिन ये 2000 साल पहले ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में दिया गया था चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य क्या होगा स्वार्थी होगा धन का लोभी होगा ढींग मार होगा अभिमानी निंदक माता पिता की आज्ञा टालने वाले कृतज्ञ अपवित्र दया रहित दोष लगाने वाले असंयमी कठोर भले के बैरी विश्वासघाती हटी अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे ऐसों से परे रहना अलग रहना यहां पर हम क्या देख रहे हैं अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे ये नहीं कि पहले नहीं थे, थे पहले भी थे अरे साहब उत्पत्ति से लोगों का इस प्रकार का शुरुआत हो चुका था दुष्ट लोग थे विकेट लोग थे लेकिन अब और भी ज़्यादा हमारे सामने ये बात हम देख रहे हैं हमारे परिवारों में हमारे समाज में क्या हालत है क्या मुझे बताने की ज़रूरत है आप तो जानते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी में न्यूज़ देखते हैं चारों तरफ क्या बना बना हुआ है हाहाकार मचा हुआ है, है ना सब अपनी ही चिंता में लगे रहते हैं तो ये कठिन समय की निशानी है अंतिम समय की निशानी है जरा सोचिए कहीं मैं इनमें सम्मिलित तो नहीं हूं अच्छा कुछ लोग क्या है और भी अंतिम समय में क्या करेंगे इन लोग अपने लिए खूब धन इकट्ठा कर लेंगे खूब धन इकट्ठा जैसे कि हम देखते हैं गॉस्पल में सुसमाचार में ना एक व्यक्ति ने खूब धान इकट्ठा कर लिया अब बोला भैया आप तेरे पास तो ढेर सारा है खाने पीने के लिए मौज कर क्या करना है तेरे को किस बात की चिंता है सब कुछ है तेरे पास एक आवाज़ आती भैया अगर आज ये धन तेरे से ले लिया जाए तो तू कहाँ का रहेगा किसका होगा ये सब है ना तो उसी प्रकार से मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ याकूब की पत्री उसका पांच अध्याय और तीन पद याकूब की पत्री उसका पांच अध्याय और उसका तीन पद यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी कब देगी अंतिम दिनों में और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है आ, कितना साफ रीति से आजकल की दशा को आ, ये यहाँ पर आ, बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो धन बटोरने में लगे हुए हैं। अंतिम समय की निशानी है मैं एक और दो पद भी आपके लिए पढ़ देता हूँ हे धनवानो सुन तो लो तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों में कीड़े खा गए हैं और तुमने सोने चांदी जो इकट्ठा किए ना ये अंतिम युग में अंतिम दिनों के लिए वो तुम्हारे विरोध में गवाही देंगे हु? तुमने उल्टे सीधे काम करके घूस ऊस ले करके ये गरीबों का पैसा ले करके तुमने धन बटोरा है ना यह अंतिम समय की निशानी है सोचिए ये, ये होगा अंतिम समय हम सोचते हैं ना यार पैसा सब कुछ है नहीं पैसा है हम सब जानते हैं कि पैसों की बहुत जरूरत है धन की जरूरत है अगर हमारे पास धन संपत्ति है परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अगर हम उसी पर अपना मन लगा के रखेंगे जो कि अंतिम दिनों की निशानी है तो, तो ये तो बहुत बुरी बात होगी है ना और ये सब जल जाएगा खत्म हो जाएगा अभी मैं और आपके लिए पढ़ूंगा कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है तो सोचिए सोचिए हम कहाँ पर हैं हमारी जो प्राथमिकता है प्रायोरिटीज हैं वो कहां पर है चलिए और आगे बढ़ते हैं कि अंतिम दिनों में और क्या क्या होने वाला है दूसरा पत्रस उसका तीन अध्याय और तीन पद दूसरा पत्र उसका तीन अध्याय और तीन पद सुनिए क्या लिखा हुआ बड़े साफ रीति से यहाँ अंतिम दिनों के बारे में लिखा हुआ है और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई भाई क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं सो गए का मतलब मर गए हैं सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से था वे तो जान बूझ कर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है तो आजकल ऐसे हंसी मजाक मजाक करने वाले टॉन्ट कर, कसने वाले हम्म आजकल हैं मिलते हैं भैया कहाँ हैं आप लोग बोलते हैं यीशु मसीह आने वाला है यीशु मसीह आने वाला कहाँ आने वाला है अरे आप लोग कब से प्रचार कर रहे हो भाई मैंने यही मैसेज दस साल पहले भी सुना पाँच साल भी पहले सुना कुछ नहीं है जी फालतू की बात है कहाँ है यीशु मसीह का आना उपहास करेंगे हंसी मजाक करेंगे एक आपने सुना होगा कि कई लोग जो वर्ड हमारा है ना हले जो शब्द है उसका भी लोगों ने अन्य जातियों ने बहुत मजाक उड़ाया हाँ उनको नहीं पता कि ये पवित्र नाम है परमेश्वर की स्तुति के बारे में और उन लोग तरह तरह की बातें हंसी मजाक में दूसरों को चढ़ा कर मसीहों को चढ़ाने के लिए ये सब बातें बोलते हैं ये तो होगा ये अंतिम दिनों की निशानी हमारे सामने हो रहा है ये तो हमें होशियार रहना है नहीं हम इसमें तो नहीं फंस रहे हाँ ये बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में सोचें अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है क्या हम इस सब बातों के लिए तैयार हैं आगाह कर रहे हैं हाँ परमेश्वर का वचन तो साफ रीति से इसके बारे में बताता है चलिए आगे और बढ़ते हैं योहन्ना रजी सुसमाचार उसका बारह योहन्ना उसका बारह अध्याय और उसका अड़तालीस पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ सुनिए जो मुझे तुच्छ जानता है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा ये परमेश्वर का वचन है प्रभु मसीह ने कहा यह बात योहन्ना उसका और अड़तालीस पद में और आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है वो ये यहाँ पर प्रभु मसीह कह रहे हैं कि अंतिम दिनों में जो बातें मैंने कही है वो न्याय के रूप में आएगा यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हो मेरी बातों को तुच्छ मानते हो तिरस्कार करते हो तो क्या होगा यही बातें अंतिम दिनों में दोषी ठहराएगा आपको न्याय के दिन न्याय का दिन है अंतिम दिनों में क्या होगा न्याय आने वाला है और इसलिए हमें और आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या हमारे जीवन में बातें आती हैं फिर हम आगे देखते हैं अंतिम दिनों में ये दुनिया क्या है जल जाएगी अच्छा शुरू में तो आपने देखा होगा परमेश्वर ने कैसे सब सबका नाश किया हाँ प्रलय के द्वारा जल प्रलय के द्वारा उत्पत्ति में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि नहीं बहुत विकेडनेस बढ़ गया था दुष्टता बढ़ गई थी पाप बढ़ गया था तो परमेश्वर ने सिर्फ नूह के अलावा और उसके साथ जो आठ लोग थे उनको बचाया क्योंकि वे धर्मी थे बाकी सब दुष्ट दुष्टता में थे पाप में थे जल प्रलय से फ्लड से उनको मार डाला नाश कर दिया अब अंतिम दिनों में जब आएंगे तो वो जो नाशवान जल से नहीं आग से होगा जी हाँ ये निशानी है बहुत खतरनाक निशानी चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ दूसरा पत्रस उसका तीन अध्याय दूसरा पत्रस उसका तीन अध्याय और नौ से चौदह पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं आप जरूर सुनिए ध्यान से सुनिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो वर यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिल जाए है ना प्रभु क्यों वेट कर रहा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वर्ग में इकट्ठा हो मन फिराए आज नहीं तो कल एक समय आएगा जब परमेश्वर का न्याय बरसेगा तब तो बहुत लेट हो जाएगा लेकिन अभी टाइम दे रहा प्रभु ओके फिर क्या लिखा हुआ है दसवें पद में दूसरा पत्रस तीन दस परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप कर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे होना चाहिए कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप कर गल जाएंगे पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकतावास करेगी इसलिए हे प्रियो जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष बने रहो ठहरो निर्दोष बने रहो ये परमेश्वर का वचन बहुत भयंकर रूप में बहुत गंभीर रूप में आपके और मेरे सामने आता है कुछ लोग ऐसे करते ना छठा उड़ाते अभी मैंने आपके सामने पढ़ा अरे कहाँ प्रभु मसीह आने वाला है वो देर क्यों कर रहे हैं आने के लिए ताकि सबको जितना हो सके सबको पश्चाताप करने का मौका मिले सब प्रभु के पास आए और ज्यादा से ज्यादा अनंत जीवन में सहभागी हो लेकिन एक समय आएगा साहब न्याय का समय आएगा जब प्रभु मसीह आएंगे ना तब ये अंतिम दिनों में क्या होगा आकाश के गण तारा गण आपको तो अच्छी तरह से पता तारे गण क्या है पूरा हीट से भरे पड़े हमारा सूरज ही देख लीजिए कितना हीट से भरा पड़ा है तपन से भरा पड़ा है करोड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब बताया जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब एक एक सेकंड में फूटते हैं तभी रोशनी हम तक पहुंचती है तो ये तो छोटा सा दिया है परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे लाखों करोड़ों हैं तो ये पिघल जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं ये परमेश्वर का वचन कह रहा है अंत के दिनों में ऐसा ही होगा क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है या आपके दोस्त आपके परिवार वाले आपके कलीग्स आपके साथीगण ये बहुत जरूरी है अंत के दिनों में ऐसा ही होगा सोचिए 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 क्या मैं सुरक्षित हूं क्या अंतिम दिनों में मैं आशीषित होऊंगा या विनाश में चला जाऊंगा चला चली जाऊंगी वह well, मेरी तो ऐसी प्रार्थना है कि आप जो सुन रहे हैं विश्वासी हैं प्रभु को प्यार करते हैं आप इसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं भैया एक दिन ऐसे आने वाला अंतिम दिन हम लोग अंतिम दिन में रह रहे हैं और एक दिन ऐसा आने वाला है जब बहुत लेट हो जाएगा बहुत लेट हो जाएगा तो उसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि कभी कभी क्या होता है अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो चलिए आप टाइम से थोड़ा सा बोल रहे अरे बहुत टाइम है अरे बहुत टाइम है अभी तो अरे बहुत टाइम है चलते हैं आराम से चलते हैं बहुत टाइम करते करते क्या हुआ जब आप स्टेशन पहुंचते हैं तो ट्रेन तो छूट चक्की हो चुकी होगी और फिर आप वहीं रह जाते हैं परेशानी आती ठीक उसी प्रकार से हम वेट ना करें आज ही उद्धार का दिन है परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों तक के लिए आप ना वेट करें आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएं सो so, सोचिए हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं हम हमारे जीवनों में आशीष बरसे ना कि विनाश और वैसे ही आपके दोस्तों के साथ भी परमेश्वर आपको आशीष दे आमीन